नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। नौगछिया के जानवी चौक पर तेल टैंकर में लगी भीषण आग, तीन की झुलसकर मौत, एक दर्जन लोग घायल। शिक्षक दिवस को लेकर जिले भर में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किया गया याद। सिल्क टीवी की खबर का फिर दिखा असर, असानंदपुर स्थित बड़ा इमामबाड़ा के समीप फैली गंदगी को निगम प्रशासन ने कराया साफ। प्रेमी से शादी की मांग को लेकर प्रेमिका ने दिया धरना, प्रेमी फरार, लड़की ने यौन शोषण का लगाया आरोप। और मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस पर भागलपुर और बांका के शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए किया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। नौगछिया के विक्रम सिल पुल पहुंच पथ पर जानवी चौक के समीप भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, साथ ही एक दर्जन से अधिक लोग घटना में घायल हो गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि परवत्ता निवासी फूदल मंडल के पुत्र नीतीश कुमार गैस सिलेंडर लेकर घर जा रहा था, इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया जिसमें मौके पर ही युवक की मौत हो गई। घटना के बाद सिलेंडर विस्फोट कर गया जिसमें जलकर तीन लोग की मौत हो गई। इस दौरान ट्रकों में लगी आग से तेल टैंकर फट गया जिससे चारों तरफ आग लग गई। आग की चपेट में आकर कई लोग गंभीर रूप से झुलस गया, वहीं आग की चपेट में आकर कई बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। वहीं घटना को लेकर स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हो गए। सभी घायलों का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। गैस लेकर के बाइक पर जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया था, गैस में आग लग गई है और बच्चे मर गए हैं। फोन बंद नहीं रहता है। घटना सूचना मिलते ही सारे टीम यहाँ पहुँच जाती है, तुरंत पहुँच जाती है। घटना के 15 मिनट के अंदर में ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। भारत में प्राचीन समय से ही गुरु को सर्वोच्च दर्जा दिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 5 सितंबर को देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वहीं शिक्षक दिवस पर जिले भर में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया और छात्र छात्राओं ने शिक्षकों को सम्मानित किया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में शिक्षक दिवस समारोह आयोजित कर सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ प्रति कुलपति प्रोफेसर रामरतन प्रसाद डीएस डब्ल्यू डॉक्टर योगेंद्र महतो, रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह, एफए पदमकांत झा और एफओ विजयमल प्रसाद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद संगीत विभाग के छात्र छात्राओं ने कुलगीत और गुरु वंदना की शानदार प्रस्तुति दी। वहीं विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को अंग वस्त्र बुके और मोमेंटो देकर सम्मानित किया और विश्वविद्यालय के स्वर्णिम इतिहास में उनके द्वारा दिए गए योगदान की चर्चा की। प्रति कुलपति प्रोफेसर रामरतन प्रसाद ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई दी, जबकि रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने कहा कि गुरु का हर किसी के जीवन में महत्व होता है। वहीं डीएसडब्ल्यू डॉक्टर योगेंद्र महतो ने शिक्षक को राष्ट्र निर्माता बताया। मौके पर परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर इकबाल अहमद, प्रोफेसर निशा झा, बलराम सिंह, मनीष सुदर्शन समेत कई शिक्षक और कर्मचारी मौजूद थे। 5 सितंबर को हर वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है विश्वविद्यालय में और वो ऐसे शिक्षकों का सम्मानित किया जाता है जिनकी सेवानिवृत्ति पिछले वर्ष 22 शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। और यह जो मौका है हम सबों के लिए, सारे शिक्षकों के लिए, कि अपना मूल्यांकन भी करें कि हम शिक्षक के रूप में कितना काम करते हैं, समाज के लिए कितना काम करते हैं, विश्वविद्यालय और विद्यालय के लिए कितना काम करते हैं। क्योंकि शिक्षक अगर ठीक से काम नहीं किया तो देश भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पीढ़ी शिक्षित हो रही है बस शिक्षकों के द्वारा ही हो रही है। भागलपुर असानंदपुर स्थित बड़ा इमामबाड़ा के समीप गंदगी और जल जमाव की खबर को सिल्क टीवी ने अपने प्राइम टाइम में 3 सितंबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आया और बुधवार को पूरे इलाके की साफ सफाई शुरू कर दी। दरअसल मुहर्रम के अवसर पर असानंदपुर इलाके में 10 दिनों तक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वहीं गंदगी के कारण इलाके के लोगों को काफी परेशानी हो रही थी और डेंगू का प्रकोप भी बढ़ गया था। खबर दिखाए जाने के बाद पार्षद अनिल पासवान ने कहा कि 2 दिनों के भीतर इमामबाड़ा के समीप साफ सफाई करा दी जाएगी। वहीं निगम के सफाई कर्मियों ने वार्ड प्रभारी राकेश कुमार की देखरेख में बुधवार को ओवरफ्लो नाले की सफाई की। वार्ड संख्या 14 के पार्षद अनिल पासवान ने कहा कि पानी सूखने के बाद ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया जाएगा, जबकि स्थानीय निवासी सैयद रागिब हसन और मोहम्मद हैदर ने निगम प्रशासन से इलाके में नियमित रूप से साफ सफाई कराने की मांग की। पहले तो सिल्क टीवी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जनता की समस्या को हम तक पहुँचाया। हमने सिल्क टीवी के द्वारा जो
समस्याएं हमारे पास आई, हमने उस समस्या का संज्ञान लिया और हम अभी तुरंत जो है हम जो है वहाँ सफाई का कार्य करवा रहे हैं। नाली के पानी पूरी तरह से यदि निकल जाने के बाद, पानी सूख जाने के बाद, फिर जो और जो साफ़ सफाई है वो हम पूरा करवा देंगे और उसके बाद चूना ब्लीचिंग वगैरह जितना है वो बढ़िया से करवा देंगे काम, पानी सूखने दिया जाए और जनता संयम रखे, हम जनता के प्रति तत्पर हैं। बड़े अम्बाड़ा के पास जो जल जमाव और उसकी समस्या जो बहुत दिनों से चली आ रही थी और मुहर्रम के समय में वो साफ़ सफाई होना चाहिए था, वो आपके चैनल सिल्क चैनल के सहयोग से और उसको आपने बहुत प्रमुखता से दिखाया अपने न्यूज़ चैनल में, इसी के पहल से वो साफ सफाई हो रहा है। नहीं तो यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं वो निंद्रा में सोए हुए थे और आपके चरण ने उनको जगाने का काम किया। इन दिनों प्यार का बुखार लोगों पर इस कदर छा रहा है कि लोग प्यार के नाम पर समाज में विपरीत संदेश दे रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र नूरपुर का है, जहां प्रेमिका शादी की मांग को लेकर प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठ गई और अपने प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी है। दरअसल लक्ष्मण बाग इलाके के रहने वाले प्रमोद रजक के पुत्र जीवन कुमार की मुलाकात बांका शंभूगंज की लड़की से 4 वर्ष पूर्व सिपाही परीक्षा के दौरान पटना में हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई और दोनों ने आपसी सहमति से सारी हदें पार कर दी। इस दौरान लड़की प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद प्रेमिका ने प्रेमी पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन प्रेमी ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद प्रेमिका अपने प्रेमी के घर पहुंच गई और परिजनों से शादी कराने की गुहार लगाने लगी, लेकिन प्रेमी के घर वालों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद प्रेमिका प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठ गई। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर जुट गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मधुसूदनपुर पुलिस ने लड़की के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। पहले जो है ना ये रिलेशन में आता है, दूर से रिलेशन है, भाभी की मतलब बहन का ये फेंकना है और उसके बाद इससे जो है हमको कंसल्ट हुआ वही उसकी मामी के थ्रू और हम जो है ना गए थे एक बार बिहार पुलिस का ये देने दौड़ करने, उसी में इससे कंसल्ट हुआ था। उसके बाद 2-3 महीने तक इससे हमसे जो है फ़ोन से बात करते रहा और बहुत बार बार ये हमको फ़ोन पर जो है परेशान करता था, तो ये हमको फ़ोन किया कि तुम कहाँ हो, हम बोले फॉर्म भरने हम आए हैं यहाँ भागलपुर, कि बोला ठीक है हम भी आते हैं, तो ये मेरे साथ आया और ये फॉर्म भरवा दिया हमसे, फॉर्म भरवा दिया था। हम बोले देखिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हम खाना खाएंगे, तो वहाँ गए बगल में वो रूम में क्या के देखे कोई नहीं था वहाँ, हम बोले यहाँ पे तो कोई नहीं है, बोले मेरी फुफेरी बांध रहती है और वो जो है क्या हमको दवाई ला के दिया भैया, नहीं दिया, हम खाए जो उनको नींद लगा, हम सुतले का सुतले रहेंगे, उसी दरमियान मेरे साथ जो भी गलत सही किया और उसके बाद जब हम होश में आए तो हम उनके ऊपर दबाव बनाने लगे। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने सम्मानित किया। भागलपुर के इंटर स्तरीय उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की प्राचार्य सभ्या फैज को बालिका उत्थान में अहम योगदान दिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। प्राचार्य ने न केवल विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति पर ध्यान दिया बल्कि विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराकर छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। वहीं बांका के प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय चानन की प्राचार्य सुमन सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। प्राचार्य ने पदभार ग्रहण करते ही ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को विद्यालय से जोड़कर उसे शिक्षा के प्रति जागरूक किया। इस दौरान प्राचार्य को ग्रामीणों का काफी विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन कुछ कर गुजरने की चाह में वो आगे बढ़ती गई। बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लाइज फेडरेशन एवं बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर गुरुवार को सभी नगर निकाय के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हड़ताल को लेकर भागलपुर नगर निगम कार्यालय परिसर के सभी कार्यालयों में कामकाज ठप रहा और पूरा निगम परिसर कर्मियों से भरा रहा। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल करने वाले कर्मियों ने सरकार एवं उनकी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगा और महासंघ के निर्णय के आधार पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी। राज्य सचिव मनोज कृष्ण सहाय ने कहा कि राज्य सरकार ने नगर निकाय के 30,000 सृजित पदों को समाप्त कर 3,000 कर दिया है, जिससे चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की उम्मीद को बड़ा धक्का लगा है और सफाई कर्मियों का भविष्य अधर में लटक गया है। सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी कर्मियों को स्थायीकरण करने के साथ सभी मांगों को पूरी करे और ऐसा नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। इस मौके पर आदित्य जायसवाल, राकेश भारती, जयप्रकाश यादव, विकास हरी, अजय शर्मा समेत काफी संख्या में नगर निगम कर्मी मौजूद थे। ये डिमांड है कि जो वर्षों से कार्यरत हैं उनका स्थायीकरण किया जाए और उन्हें कम से कम जब तक स्थायी नहीं किया गया है
न्यूनतम मजदूरी 18,000 किया जाए। शहीद जगदेव प्रसाद की पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुवार को अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की ओर से भागलपुर के पेंशनर भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त पूर्व प्राचार्य डॉक्टर आरपी शिवर्मा, कुशवाहा महासभा जिला अध्यक्ष नवीन कुशवाहा, पूर्व लोक अभियोजक जलथल मंडल डीबीए उपाध्यक्ष मुक्ति प्रसाद सिंह, रीता कुशवाहा एवं जिला परिषद सदस्य अरविंद मंडल समेत कई लोगों ने शहीद जगदेव प्रसाद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। मंच संचालन मृत्युंजय कुशवाहा ने किया। इससे पूर्व अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण कर किया गया। डॉक्टर आरपी शिवर्मा ने कहा, शहादत से बड़ा कोई त्याग नहीं है और अमर शहीद जगदेव प्रसाद भारत के लेनिन थे। इनके जीवन से सीख लेने की जरूरत है। इस मौके पर अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा के जिला अध्यक्ष रवि कुशवाहा, डॉक्टर किरण सिंह, बुद्धिनाथ सिंह समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर। मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में गुरुवार को ईडीजे प्रथम सा विशेष न्यायाधीश पोक्सो विनोद कुमार तिवारी की कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पीरपैंती के बुद्धू चक निवासी 60 वर्षीय सुधाकर झा को धारा 376 और 4 पोक्स के मामले में क्रमशः 12 वर्ष एवं 10 वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों मामले में अलग से 50,000 जुर्माना लगाया एवं जुर्माने नहीं देने की स्थिति में दोनों मामले में 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। लोक अभियोजक शंकर जय किसान मंडल ने कहा कि 2 अप्रैल 2015 को बुद्धू चक निवासी सुधाकर झा ने गांव की ही एक मंद बुद्धि बच्ची को भला फुसला कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई में 7 गवाह गुजरे और 29 अगस्त को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया, जबकि मामले की गंभीरता को देखते हुए सश्रम कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेगी। भागलपुर टीएनबी कॉलेज के 11 कर्मचारियों ने गुरुवार को प्राचार्य कक्ष के बाहर जमकर नारेबाजी की। दरअसल बुधवार को प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने पत्र जारी कर 35 वर्षों से कार्यरत कर्मियों को काम से रोक दिया था। इसी के विरोध में कर्मचारियों ने प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं कर्मचारी अमरेंद्र झा ने कहा कि अवमाननावाद आदेश को नजरअंदाज कर 14 कर्मचारियों पर विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई की है। कुमार आशुतोष राजेश ने कहा कि प्राचार्य के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। वहीं प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने कहा कि उन्होंने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देश पर कार्रवाई की है। 45 वर्ष का मैं चश्मदीद हूं विश्वविद्यालय और कॉलेज का। आज तक किसी प्रधानाचार्य ने किसी भी कर्मचारी शिक्षक के मामले में जब वो उसकी नियुक्ति नहीं कर सकते तो उनके नियुक्ति के सवाल पर किसी प्रकार का आदेश निर्गत कर देगा बगैर विश्वविद्यालय की अनुमति का उनके क्षेत्राधिकार में है ही नहीं। इसे उन्होंने खुद कबूल किया था। तो जो व्यक्ति खुद कहता हो मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है, फिर वो अपने आप में अपने को क्षेत्राधिकार में मान के कार्रवाई करता है। इसका आशय है कि प्रिंसिपल की प्रशासनिक विफलता किस हद तक है इसे सत्यापित किया जा सकता है। जो प्रिंसिपल व्याख्याता नहीं है वो प्रिंसिपल बना कैसे? ये प्रिंसिपल आज तक एलपीसी अपना जमा नहीं किया वो वेतन कैसे ले रहा है? प्रिंसिपल धोखाधड़ी करके अपना एलपीसी नहीं बल्कि वो पे स्लिप है जिस पर ये अकाउंट सेक्शन पेमेंट करता है और आज तक वो सत्यापित नहीं हुआ है। तो जिस प्रिंसिपल की अपनी नियुक्ति में इतनी कमी है
वो अगर ईमानदारी की बात करता है, नैतिकता की बात करता है, तो पहले अपनी नियुक्ति का जांच वो कर ले, फिर दूसरे पर उंगली उठाए। आगे का स्टेप तो न्यायालय जाना है। मैंने ये सूचना आज प्रधानाचार्य को ईमेल पर दे दी है कि उनके मेंटल बैंक्रप्सी का ये नतीजा है कि जब पूर्व में ही उनको मैंने सूचना दे दी थी कि 12/28 ज्ञापांक में मैं पार्टी नहीं हूँ, मैं CWJC 2300/2000 और MJC 203/2006 से आच्छादित हूँ, फिर भी प्रधानाचार्य ने भी उसके अवहेलना की है और ये बात मैंने पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन को मालूम है। बिहार सरकार के योजना विकास मंत्री महेश्वर हजारी सपरिवार सुल्तानगंज पहुंचे और गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, जिसके बाद प्रसिद्ध अजगैबीनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इसके बाद मंत्री सड़क मार्ग से पूजा अर्चना करने देवघर प्रस्थान कर गए। इससे पूर्व सुल्तानगंज पहुंचने पर युवा जदयू के जिला महासचिव राजकुमार गुड्डू के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सावनी मेले के विकास के लिए सरकार प्रयासरत है। मेले में कांवड़ियों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही है। सावन के तर्ज पर भादों में भी व्यवस्था हो, इसीलिए सरकार से बात करूंगा। इस दौरान उनकी पत्नी भी मौजूद रही। शुरू से ही मेरा, जब से मैं बिहार सरकार में मंत्री बना, पहले मैं नगर विकास मंत्री था, उस समय भी यहाँ सामने मेला के उद्घाटन में आते थे। जब मैं भवन निर्माण मंत्री था तब भी आते थे। आज जब योजना विकास यहाँ के लिए हमेशा रहते हैं, यहाँ बिहार सरकार की तरफ से जितना भी विकास हो तो बहुत कम है, चूँकि उन लोगों का गर्व स्थल है, गौरव करने को है। भागलपुर के संत जोसफ स्कूल में सलमान अनवर फिल्म्स की ओर से जल संकट और जल संरक्षण को लेकर बनाई गई शॉर्ट फिल्म प्रदर्शित किया गया। सलमान अनवर ने समाज एवं बच्चों को जल संचयन के प्रति जागरूक करने एवं जल नहीं मिलने पर होने वाली समस्याओं को अपनी फिल्म थर्स्टेटीज ऑफ वाटर में दर्शाया है, जिसे देखकर स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों ने भरपूर सराहना की और अपने साथ अपने आसपास के लोगों को जल संचयन एवं संरक्षण के प्रति जागरूक की बात कही। मुख्य तौर पर पानी की बर्बादी को रोकने और इसके महत्व को समझाने के लिए बच्चों के बीच फिल्म प्रदर्शित की गई। इस दौरान बच्चों को जल संचयन से संबंधित कई जानकारी भी दी गई, जबकि शिक्षकों ने अपने विचार प्रकट करते हुए इसे बेहतर पहल बताया। I appreciate your steps towards that you have taken towards save water for awareing the children and the school and the people of Bhagalpur, in fact Bihar. This is going to be very effective, the step that you have taken. In fact, I appreciate the presentation that you have shown. भागलपुर खिरीबांध स्थित मदरसा दारुल उल्म असदिया में गुरुवार को उर्दू भाषा पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बिहार उर्दू अकादमी और नुसरत वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त बैनर तले किया गया था। उर्दू के फरोग में मदरसी ए इस्लामिया का किरदार विषय पर उर्दू के विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए और कहा कि उर्दू किसी मजहब या संप्रदाय की भाषा नहीं है, बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। डॉक्टर साहिद रजमी ने कहा कि उर्दू सुने, उर्दू बोले, उर्दू लिखे और उर्दू पढ़े। कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना खुर्शीद अनवर ने की। वहीं डॉली मंडल ने कहा कि उर्दू के विकास के लिए कई स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। सोसाइटी के महासचिव मौलाना जाहिद हलीमी ने कहा कि उर्दू आज सिर्फ मदरसा, मस्जिद और खानकाहों में सिमट कर रह गई है। कार्यक्रम के दौरान उर्दू के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। मौके पर डॉक्टर हबीब मुर्शिद खां, रिजवान खान, नूर उल्ला, एनुल हक, मौलाना अरशद नजर नाजिर समेत कई उलेमा और समाजसेवी मौजूद थे। बस यह है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह जहाँ भी पहुँचा, जहाँ ऑफिस हो या और कोई तरह के मामला, तो उर्दू ही को इस्तेमाल करें, ताकि हर आदमी, मिसाल के तौर पर ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत है, कहीं दस्तखत की ज़रूरत पड़े तो आप उर्दू ही में करें, कहीं दरख्वास्त देने की ज़रूरत पड़े तो उर्दू में दें, और शादी कार्ड बनाए तो उर्दू में बनाए, ताकि लोगों के अंदर बेदारी पैदा हो। भागलपुर मौलाना चक स्थित खानकाह आलिया शाहबाजिया में जिक्र ए शहदा ए करबला की मजलिस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खानकाह के सजादा नसीह सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शाहबाजी ने की। वहीं मदरसा के छात्रों ने हजरत इमाम हुसैन और करबला की जंग पर प्रकाश डाला। इस दौरान शायर इस्तियाक रहबर, कैसर रजा और गुलजार ने एक से बढ़कर एक नातिया कलाम की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अंत में सजादा नसीह ने देश में अमन और शांति की दुआ मांगी। वहीं मौलाना फारूक आलम अशरफी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मुहर्रम का महीना जैसे ही शुरू होता है, इमाम हुसैन और शहीदाने करबला के नाम पे कई तरह के प्रोग्राम मुनाकिद होते हैं। इस सिलसिले में खानकाह आलिया शहबाजिया में जामिया शहबाजिया के छात्रों के जरिए जिक्र शहदाए करबला की महफिल मुनाकिद की गई। आज ज़रूरत है इस बात की
कि इस तरह के पैगाम को लोगों को बताया जाए, लोगों को सिखाया जाए, ताकि लोग अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारने का सलीका सीखें, एक दूसरे का कोऑपरेट करें, मजलूम की मदद करें जालिम के खिलाफ और जालिम पर रोक लगाई जा सके। भागलपुर के माउंट कार्मेल स्कूल में शिक्षक दिवस के अवसर पर छात्राओं की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने शिक्षकों का स्वागत तिलक लगाकर किया, जबकि इसके बाद बारी बारी से सभी शिक्षकों एवं छात्राओं ने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। छात्राओं ने ईश्वर को नमन करते हुए गीत की प्रस्तुति दी, जबकि कार्यक्रम में अलग अलग कक्षा की छात्राओं ने अपने शिक्षकों के सम्मान में कई गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया। इस दौरान नाटक सामूहिक गीत की प्रस्तुति दी गई। शिक्षकों एवं अभिभावकों ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम की सराहना की और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए आगे बच्चों का सही मार्गदर्शन करने की बात कही। इस मौके पर प्राचार्य सिस्टर एम प्रतिभा, सिस्टर आशा, सिस्टर मीरा राजेश समेत स्कूल के सभी शिक्षक एवं छात्रा मौजूद थे। भागलपुर जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। वहीं शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को शिक्षक दिवस का महत्व बताया, जबकि छात्रों ने शिक्षकों के प्रति आजीवन सम्मान भाव रखने का संकल्प लिया। वहीं जीडी गोयनका स्कूल के बच्चों की रंगारंग प्रस्तुति देखकर उपस्थित लोग अभिभूत हो गए। मौके पर अनिका और अर्णव चौहान ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला। स्कूल की निदेशिका डॉक्टर निहारिका भारती ने कहा कि हमारे गुरु ही हमारे मार्गदर्शक होते हैं और व्यक्तित्व को निखारने में गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भागलपुर के रिजोल्यूशन प्लस टू इंस्टीट्यूट में गुरुवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक अभिषेक कुमार की देखरेख में छात्रों ने अपने शिक्षकों के सम्मान में गीत एवं नृत्य संगीत की प्रस्तुति दी और अपनी सफलता का श्रेय शिक्षकों को दिया। इस दौरान संस्थान के कई छात्र छात्रा फिल्मी धुनों पर जमकर थिरके और कार्यक्रम का आनंद लिया। अपने सम्मान में छात्र छात्राओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिक्षक भी उत्साहित दिखे और इस तरह के सम्मान के लिए आभार जताया। साथ ही जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए सच्ची लगन से अध्ययन करने का संदेश छात्र छात्राओं को दिया। शिक्षक दिवस के अवसर पर किरण इंस्टीट्यूट प्लस टू स्कूल में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में छात्र छात्राओं ने शिक्षकों के सम्मान में भाषण, नृत्य एवं संगीत की प्रस्तुति दी और जबकि कई शिक्षकों के साथ छात्र छात्राओं ने शिक्षक दिवस के महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नौगछिया की जिला पार्षद नंदनी सरकार, संस्थान के निदेशक डी के भगत, चंदन विश्वकर्मा, मसरूर आलम समेत कई शिक्षकों ने केक काटा और छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम को कई शिक्षकों ने संबोधित किया, जबकि बारी बारी से छात्र छात्राओं ने जमकर डांस किया। इस अवसर पर कुमार संगम, राजेश कुमार, अभिषेक एवं अनुज कुमार के अलावा काफी संख्या में छात्र छात्रा मौजूद थे। भागलपुर टीएनबी कॉलेज में शिक्षक दिवस का विदाई समारोह धूमधाम से मनाया गया। मौके पर कई सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित कर विदाई दी गई। वहीं शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को शिक्षक दिवस का महत्व बताया, साथ ही छात्र और शिक्षक के संबंध पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार, डॉक्टर शरद चंद्र, प्रोफेसर बीरेंद्र कुमार, प्रोफेसर संजय कुमार समेत कई शिक्षक मौजूद थे। वहीं बीएन कॉलेज में भी शिक्षक दिवस पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्रों ने ड्रामा का आयोजन कर महिलाओं में शिक्षा का महत्व बताया। मौके पर प्राचार्य डॉक्टर अशोक ठाकुर, डॉक्टर फिरोज आलम, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह समेत कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। शिक्षक दिवस के अवसर पर बांका के पंजवारा स्थित लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर में धूमधाम से शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्थान के शिक्षक दिवाकर कुमार ने कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्यार्पण कर एवं केक काटकर किया। वहीं छात्रों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। वहीं बांका के दीपराज इंस्टीट्यूट में शिक्षक दिवस काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सबसे पहले शिक्षक एवं छात्रों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद कर पुष्प अर्पित किया। संस्थान के निदेशक बमबम सिंह ने बताया कि शिक्षा हर युग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा के बिना व्यक्तित्व का अस्तित्व एक पत्थर की मूर्त के समान गिनती होता है। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा बांका के रंजीत यादव, शिक्षक बीएस चौधरी सहित संस्थान के बच्चे उपस्थित थे। वहीं बांका कटोरिया रोड स्थित प्रकाशन क्लासेस में भी शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम कोचिंग के निदेशक आशीष रंजन और रजनीश रंजन ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्य अर्पण कर एवं केक काटकर उनको याद किया। संस्थान के निदेशक आशीष रंजन ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र देश को दिए योगदान को बताया। इस दौरान छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के मान ठाकुर, रजनीश रंजन सहित संस्थान के छात्र मौजूद रहे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। नौगछिया के जानवी चौक पर तेल टैंकर में लगी भीषण आग, तीन की झुलसकर मौत, एक दर्जन लोग घायल। शिक्षक दिवस को लेकर जिले भर में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किया गया याद।
सिल्क टीवी की खबर का फिर दिखा असर। असानंदपुर स्थित बड़ा इमामबाड़ा के समीप फैली गंदगी को निगम प्रशासन ने कराया साफ। प्रेमी से शादी की मांग को लेकर प्रेमिका ने दिया धरना। प्रेमी फरार, लड़की ने यौन शोषण का लगाया आरोप। और मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस पर भागलपुर और बांका के शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए किया सम्मानित। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।